नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हम मौजूद हैं। यहां से आज महिला मोर्चा को उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया गया है, लेकिन उन सबके बीच बिहार की सियासत जिस तरीके से विशेष राज्य के दर्जे को लेकर है, तो फिर से एक बार संजय जायसवाल ने उसी बात को दोहरा दिया है। साथ ही साथ जिस तरीके से बख्तियारपुर का जो मुद्दा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो गृह जिला है नालंदा, वहाँ बख्तियारपुर से आते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यह भी सवाल किया गया। हालांकि संजय जायसवाल ने इस बात को कहा कि इसका फैसला, इसका निर्णय जो है वो जनता करेगी, लेकिन जिस तरीके से यह बात कही जा रही है कि बख्तियारपुर का नाम बदलना चाहिए, क्योंकि बख्तियारपुर का नाम बख्तियार खिलजी के नाम से है, इस वजह से उसको बदलना चाहिए। लेकिन जो बयान है वो हम सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बिहार की सियासत में इन दिनों विशेष राज्य का दर्जा हो या नाम बदलने का सिलसिला यूपी से शुरू हुआ, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कई जगहों का नाम बदला, उसके बाद अब बिहार में भी इसकी मांग शुरू हो गई है। सुनवाते हैं आपको प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि इसका फैसला जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर ही बनी है और हमारे जितने भी भारत के राजा हैं और जिनका एक वैभवशाली और गर्वशाली इतिहास रहा है, खास करके मगध तो राजाओं की धरती रही है और जिन्होंने पूरे विश्व में शासन करने का, यहाँ से लेके इंडोनेशिया, अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक शासन करने की एक पूरी नींव डाली थी, उन सभी के साथ इतिहास में कहीं ना कहीं न्याय में कमी हुई है। हम विदेशी आक्रांताओं के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं और अपने जो हमारे पथ प्रदर्शक राजा रहे उनके बारे में कम है। यह अच्छी बात है कि प्रत्येक दल से यह आवाज निकल रही है और जो भी मुगल आक्रांता है, चाहे वह बख्तियारुद्दीन खिलजी हो जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी जलाने का अपराध किया था, चाहे वह औरंगजेब हो जिसने लाखों हिंदुओं की हत्या की थी, उनकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है और उनका निशान भारत से हर कीमत पर हटना चाहिए। सर, आपने उपेंद्र कुशवाहा ने वैशाली से यात्रा की और अच्छी बात है, ये कोई सियासत तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर ही बनी है और हमारे जितने भी भारत के राजा हैं और जिनका एक वैभवशाली और गर्वशाली इतिहास रहा है, खास करके मगध तो राजाओं की धरती रही है और जिन्होंने पूरे विश्व में शासन करने का, यहाँ से लेके इंडोनेशिया, अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक शासन करने की एक पूरी नींव डाली थी, उन सभी के साथ इतिहास में कहीं ना कहीं न्याय में कमी हुई है। हम विदेशी आक्रांताओं के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं और अपने जो हमारे पथ प्रदर्शक राजा रहे उनके बारे में कम है। यह अच्छी बात है कि प्रत्येक दल से यह आवाज़ निकल रही है और जो भी मुगल आक्रांता है, चाहे वह बख्तियारुद्दीन खिलजी हो जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी जलाने का अपराध किया था, चाहे वह औरंगजेब हो जिसने लाखों हिंदुओं की हत्या की थी, उनकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है और उनका निशान भारत से हर कीमत पर हटना चाहिए। सर, आपने